आज का हमारा अपडेट है भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस के ऊपर, और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे भागलपुर से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली सुबह में यह ट्रेन आखिर कब से चलेगी। तो चलिए वीडियो अपडेट शुरू करने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन। यह ट्रेन कई महीनों से बंद है। जमालपुर मुंगेर और भागलपुर स्टेशन से गंगा पार मिथिलांचल के लिए एक भी ट्रेन की सुविधा अब तक नहीं मिली है, लेकिन नए साल में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन शुरू करने की कोशिश जारी है। मालदा मंडल प्रशासन ने रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को जनसेवा इंटरसिटी का परिचालन पुनः शुरू करने के लिए पत्र भेजा है। रेलवे बोर्ड की अनुमति मिलते ही परिचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह जानकारी पूर्व रेलवे मालदा मंडल के DRM यतेंद्र कुमार ने दी। इस दौरान कहा गया कि भागलपुर से जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन को जल्द खोला जाएगा और इसके लिए भी नई शेड्यूल जारी की जाएगी। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा और भी लोकल ट्रेन का संचालन इस रूट पर बढ़ाया जाएगा, जिससे आम यात्रियों को सुविधा हो सके। फिलहाल का आज का हमारा यह वीडियो अपडेट था, जिसमें हम बात किए भागलपुर से जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन आखिर कब से चलेगी। मालदा मंडल की कई दर्जन ट्रेन स्पेशल ट्रेन बनकर चलाई जा रही है, लेकिन बड़ौनी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सहित अन्य मिथिलांचल की स्टेशन से ट्रेन का संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में अब नया साल भी आ गया है, हो सकता है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक इस ट्रेन का परिचालन देखने को मिले। तो ये था आज का अपडेट। इसी तरह के और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।